जी हाउ टू हंट एफ क्लाइंट्स अदर देन एफ बी ग्रूप्स अच्छा अपवर्क पे भी कर सकते हैं आप लोग फाइबर से भी हंट कर सकते हैं लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगी मैं आप लोगों को फेसबुक ग्रुप्स ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएंगे कंपेयर टू फाइवर और ये सब क्योंकि उन प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन ज़्यादा है और ये है कि जो वहाँ की पॉलिसीज़ वग़ैरह होती हैं वो भी थोड़ी सख्त होती है एफ पे ये है कि आप उनसे मीटिंग वगैरह कर सकते हैं कोई इशू हो वो भी आप लोग बात करके या कुछ भी रिजॉल्व कर सकते हैं जो भी आप लोगों ने क्लाइंट के साथ पहले से कॉन्ट्रैक्ट करना या बाद में वो सब चीज़ें पहले से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं और ये भी कि आप लोगों को अच्छे क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे फेसबुक से हाँ ये है कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि मैम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाइएगा जिसमें मतलब बाद में कोई इशू ना हो ना आपको ना क्लाइंट को मैम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में ऑलमोस्ट लिक्विड एंड एक्सपायरी डेट वाली प्रोडक्ट होती हैं क्या उनमें जा सकते हैं लिक्विड प्रोडक्ट्स के साथ ना जाएं मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी लिक्विड प्रोडक्ट्स के साथ ना जाएं ब्यूटी कैटेगरी में कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें टूल्स वगैरह हो गए ब्यूटी टूल्स जितने होते हैं ब्रशेज हेयर ब्रशेज़ ये सारी चीज़ें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी सिर्फ छोटी सी कैटेगरी नहीं है काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स उसमें आपको मिल जाएंगी थैंक्स फॉर योर टाइम मैम रियली अप्रिशिएटेड योर वेलकम मैम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ प्राइस बार्गेनिंग कर सकते हैं या फिर फिक्स प्राइस पर देंगे कर सकते हैं जी मब शेयर अच्छा आंसर दिया आपने जितना आप प्रॉफिट उनसे ले सकते हैं बिल्कुल नहीं आप नगोशिएट करें उनसे और कोई क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछें और मुझे लग रहा है एक मीटिंग ही काफ़ी थी क्वेश्चन बहुत कम थे आप लोगों के मैम कौन सी प्रोडक्ट के साथ जाना जाना चाहिए ज़्यादा बेस्ट है पेट सप्लाईज के साथ जाएं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के साथ किचन एंड डाइनिंग और और भी एक दो कैटेगरीज हैं जो बेस्ट हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छी हैं इनकी सब के, हाँ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर ये है कि कोशिश कीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें जिसके रिव्यूज़ वग़ैरह अच्छे हों क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में रिटर्न बहुत ज़्यादा आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा हो कि अगर कुछ प्रोडक्ट वगैरह में मसला हो तो वो आपको रिप्लेस करके दे या रिफंड वगैरह का सीन हो रिफंड अगर हो सके तो जी इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत मसले हैं अप्लाइंस वगैरह के जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हों कम रिफंड जाते हो फिर जा सकते हैं फिर कोई मसला नहीं है इनवाइसिस वगैरह का भी अगर इसमें इशू नहीं आ रहा है और बाकी स्टेट्स भी अच्छे हैं तो फिर जा सकते हैं आप हेलो मैम प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद कैसे पता करेंगे कि गेटेड है या अनगेटेड ये आपको अकाउंट से ही पता चलता है जब तक अकाउंट नहीं होगा ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि हर अकाउंट की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा होता है गेटेड और अनगेटेड वाला सिनेरियो अगर तो आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी है तो हो सकता है वो उस पर अनगेटेड हो उस पर इन की जरूरत ना पड़े लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही न्यू अकाउंट है स्पेशली आजकल जो पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट हो ही नहीं रही है सब पे इन चाहिए होती है डिजन क्वालिफाई आ रहा होता है ये सारी चीजें तो वो न्यू अकाउंट पे भी डिपेंड करता है माउस की बोर्ड सेक्टर हाँ जा सकते हैं इनके साथ बिल्कुल होलसेल अकाउंट काफी मुश्किल से फाउंड हो रहे हैं। क्या मतलब होलसेल अकाउंट काफी मुश्किल से फाउंड हो रहे हैं बनाने में आप कह रहे हैं कि बनने में मुश्किल है मैम जो प्राइस क्राइटेरिया में दी गई है क्या उससे कम या ज़्यादा में भी जा सकते हैं जी बिल्कुल अगर बाकी स्टेट्स बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट्स के तो मैंने आपको कहा था कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और प्राइस का तो सिर्फ ये है ना कि वो बजट पे डिपेंड करता है अगर तो आपका बजट ज़्यादा है तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छी प्राइस वाली प्रोडक्ट के साथ भी चले जाएँ मतलब फर्स्ट क्लाइंट कैसे ढूंढे फर्स्ट क्लाइंट इंशाल्लाह आप लोगों को फेसबुक से ही मिलेगा अगर आप लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की हो तो हमारी बैच uh, टू की आई थिंक कोई स्टूडेंट्स थी उन्होंने अपनी टीम बनाई थी एजेंसी पूरी और उन्होंने क्लाइंट उनको मिल चुका है फेसबुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मतलब सोर्स वेबसाइट मिलना काफ़ी मुश्किल है अच्छा सोर्सिंग आप लोगों को सोर्सिंग होती है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और फिर वही मसला है कि आप लोगों को ट्रस्ट इशूज़ भी होते हैं लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी सोर्सिंग के लिए अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड ही मिल जाए तो तो बेस्ट है लेकिन मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वॉलमार्ट वगैरह कोई अच्छी रिटेल वेबसाइट भी मिल जाती है तो भी ठीक है आप लोग आर्बिट राज से ही स्टार्ट ले लें होल प्रोडक्ट का बजट मिनिमम कितना चाहिए एक प्रोडक्ट का होलसेल अकाउंट स्टार्ट करने के लिए मतलब आपने अकाउंट अच्छा रनिंग में लाना है उसके लिए आपको कम से कम भी फिफ्टीन हंड्रेड या टू थाउजेंड डॉलर तक का बजट चाहिए फेसबुक में कौन से जो अमेजोन के पेजेस होते हैं जैसे बाकी इंस्टीट्यूट वगैरह के पेजेस होते हैं एक यू वर्ष की मैंने आई थिंक आप लोगों को लिंक भिजवाई थी हमारा भी ग्रुप है बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी ग्रुप होते हैं वहाँ आ रही होती हैं पोस्ट वगैरह के मुझे वी ए चाहिए मुझे इस चीज के लिए वी ए चाहिए या मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए तो आप करें उनसे कॉन्टेक्ट वो क्लाइंट ही होते हैं मैं देखिये आर्बिटराज में और होलसेल में वही बात है सिर्फ सोर्सिंग का फर्क है ज्यादा तो कोई डिफरेंस है ही नहीं आपको होलसेल आ गया तो आपको आर्बिट्राज भी आता है मतलब What is meant by ROI? Please explain in very easy way. Return ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी जितना जितनी आपने इन्वेस्टमेंट लगाई फार्मूला मैं आपको इतना उसमें डीप में नहीं बताऊंगी बस जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी प्रोडक्ट पे उसको आपको रिटर्न कितना है? यानी अगर मैंने सौ रुपए की प्रोडक्ट ली है उस पर मुझे कितना रिटर्न आया profit प्रॉफिट वगैरह सब कुछ सेलिंग प्राइस में के अगर वो दो सौ में बिकी है तो मुझे कितना परसेंट उसपे रिटर्न आया वो मेरा आरओआई है मैम शेयर कर दें वो पेजेस अच्छा मैं <laughs> मतलब आप लोगों को मैं पेजेस भी ढूंढ के दूं पेजेस वगैरह नहीं ग्रुप वगैरह होते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के ग्रुप मिल जाएंगे आपको एफबी में इतने और बाकी किसी इंस्टीट्यूट के देख लें ये ई कॉमर्स वगैरह के जितने इंस्टीट्यूट होते हैं इनेबलर्स हो गया और एक्सट्रीम कॉमर्स हो गया ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं इन्हीं ग्रुप से मिल जाएंगे आपको क्या स्टूडेंट वीजा पर भी यूरोप का अकाउंट बन सकता है जो उसके अकाउंट के लिए आई डोंट नो मुझे सही आइडिया नहीं है कि आप लोगों को क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर यूएसए के अकाउंट की बात करें वो तो पाकिस्तान से भी बन जाता है एलएलसी अगर आपके पास हो यूएसए वगैरह की तो आप लोगों को उसके लिए भी यही है कि कंपनी की आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कोई एलएलसी आपको लाजमी बनवानी पड़ेगी सिर्फ वीज़ा पे तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा प्लीज वो लिस्ट मैं नहीं प्रोवाइड करूंगी आई एम रियली सॉरी आप बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन सप्लाई ये आपने खुद फाइन करने हैं फिर असाइनमेंट का फायदा ही क्या है कि अगर मैं आप लोगों को सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे रही हूँ तो अच्छा सॉरी मुझे लगा आपके अपने पेजेस हैं नहीं नहीं मतलब नॉर्मल जो फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहीं से मिल जाएंगे आपको क्लाइंट्स जो ई e कॉमर्स के ग्रुप्स होते हैं मैम होल सेल लिस्टिंग पीएल की तरह होती है आ, नहीं पीएल की आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है होल सेल में क्या होता है कि एक ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्टिंग है आपने सिर्फ उसको मी टू करना है यानी आपने सिर्फ एस एन लिखना होता है और उस पर अपनी प्राइस वगैरह सेट करनी होती है लिस्टिंग की भी आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ा ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है स्टेप बाय स्टेप जब मैं आपको कह रही होती ना कि मैं वीडियो शेयर करवा दूंगी आप लोगों के साथ तो ये नहीं होता कि अभी फौरन ही आप लोगों को वो वीडियो जब हम उस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारा मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर होता जाएगा तो मैम क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस भी ये चाहिए होता है जी आप लोग ये कर सकते हैं कि किसी सीनियर के साथ आप अपनी टीम बना सकते हैं या आप इसी जो इंटर्नशिप करें यहीं से आप लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं यही जो आपने हंट किया है सब कुछ या आप पोर्टफोलियो में आसानी करेंगी तो आपकी पीएल में भी एक्सपर्टीज है यस yes. मैंने पीएल भी किया है और पीएल का इनशाला हम कोर्स भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स की भी लॉन्च करवाएंगे इनशाला बहुत जल्द LLC कौन सी स्टेट की होनी चाहिए जो बेस्ट और कम बजट की अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है टेक्सास की वायोमिंग की और एक दो और स्टेट है उनकी भी एलएलसी अच्छी होती है लेकिन टेक्सस की ये है कि आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी प्राइसेस क्योंकि सब स्टेट की डिफरेंट होती हैं लेकिन उसका फायदा ये है कि उसकी रिन्यूअल फीस नहीं होती है. आपको बार बार उसको रिन्यू कराने के लिए जो आ,

अच्छा ये थोड़ी आगे की चीज़ें हैं ये टीम के साथ हमारी मीटिंग्स होंगी जब मेंटोर्स की उसमें डिसाइड होगा कि इसको कैसे लेके चलना है लेकिन इंट्रोड्यूस होगा लाजमी अगर मैम कोई अकाउंट बैन हो जाए तो आप, आप कोशिश करें कि ना ही बैन हो तो बेहतर है लेकिन हाँ एडमिन है आप लोगों के साथ कोई इशू आता है आप पूछ सकते हैं मैम टैक्सिस के मैंने फाइव हंड्रेड डॉलर की बनवाई है आई डोंट नो अभी क्या रेट्स चल रहे हैं लेकिन मुझे थ्री हंड्रेड तक की पड़ी थी मैम मैंने अमेजोन का न्यू अकाउंट बनाया है उसमें विदाउट एल सी ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट में से बहुत जल्दी बैन हो जाते हैं और अमेजोन पे इलीगल भी है ड्रॉप शिपिंग देख के करिएगा अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर ले मैं मना नहीं करूंगी लेकिन ध्यान से बहुत जल्दी अकाउंट बैन हो जाते हैं अमेजोन बख्शता नहीं है फिर टेक्स की भी प्राइस बता दे फिलहाल मुझे इसका आइडिया नहीं है कि मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है दानिश का मैं कह रहे हैं एट हंड्रेड एट हंड्रेड डॉलर तो बहुत ज़्यादा है किसी अच्छे एलएलसी क्रिएटर से बात करें आप लोग एट हंड्रेड डॉलर तो बहुत ज़्यादा है ड्रॉप शिपिंग जस्ट चाइनीज कर सकते हैं क्यों पाकिस्तानी भी करते हैं ड्रॉप शिपिंग वगैरह मुबशर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में कंपनी रोज तीन सौ अकाउंट बैन होते हैं जी ड्रॉप शिपिंग का फिर यही मसला होता है मैम इन्वेंट्री अमेजन वेयर हाउस डिलीवर कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे अगर वो शिपिंग सर्विसेज नहीं देते तो फिर आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज यानी थ्री पी सर्विसेज़ हम जिन्हें कह रहे होते हैं वो हायर करनी पड़ रही होती है यानी वो क्या करते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में रखते हैं और फिर वो अमेजोन तक पहुँचाते हैं अगर आप अब उसमें भी ना दो तरीके होते हैं या तो ये होता है कि वो खुद कस्टमर तक पहुंचाएं वो फिर एफ बी एम आ जाता है या तो फिर ये होता है कि वो अमेजोन के वेयर हाउस तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचाए और फिर वहां से आप लोग अमेजोन की शिपमेंट सर्विसेज ने जब आप लोग इसमें आएंगे ये करेंगे अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैम हम थ्री पी एल कहाँ से लेंगे ये भी वही बात है कि आपको पाकिस्तान से ही मिल जाएंगे काफी ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे रह रहे होते हैं जिनके कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं और उन्होंने वेयर हाउस खोले होते हैं अपने ही घर में वो ये सर्विसेज दे रहे होते हैं तो वो भी आपको जाएंगे सब चीजें से ही मिल जाएंगे, सब आपको से ही मिल जाएंगे करें इस को। क्या मैम अमेजोन प्लेटफॉर्म ठीक है कितने ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट बैन होता है ट्वेंटी सेवन फंस जाता है क्या ये पेमेंट रिकवर नहीं होता इसका तरीका होता है पूरा ठीक है हर एक चीज़ रिस्की होती है अगर आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आप किसी चीज़ में नहीं फंसेंगे इनशाला अमेजॉन छोटी छोटी बातों पे अकाउंट बैन कर देता है छोटी छोटी बातों पे अकाउंट बैन कर देता है क्या वो जस्ट क्लाइंट की बात सुनता है अच्छा जी बिल्कुल अमेजान कस्टमर फ्रेंडली है अमेजोन रीसेलर फ्रेंडली नहीं है तो आप लोगों ने इसीलिए मेन चीज़ ही आपकी प्रोडक्ट वगैरह पे और आपकी सर्विस पे डिपेंड करती है मैं इसीलिए कहती हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जाएं जिन पे रिव्यूज बहुत अच्छे हों जिनका रिटर्न ना हो क्योंकि कस्टमर की एक कंप्लेंट होती है और फिर अकाउंट डीएक्टिवेशन का खतरा होता है लेकिन वो इतना सीरियस होता है, नहीं है अकाउंट रिएक्टिवेट भी हो जाता है री हो जाते हैं अगर आप अपील लिखें देखें अमेजोन का काम क्या है जब अकाउंट बैन होता है ना अक्सर लोग क्या करते हैं पाँच पाँच छः छः दफा अपील लिख रहे होते हैं अपील का मकसद ही नहीं समझते हैं कि अपील कैसे लिखनी होती है अमेजोन को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपसे गलती हो गई या क्यों हुई क्या वजह थी अमेजोन का मकसद होता है कि ठीक है हो गई आपने मान ली अब आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे इस गलती से बचने के लिए आपने जो फोकस करना होता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे करना होता है आप अच्छी अपील लिखेंगे तो री इंस्टेट हो जाएगा मैम ड्रॉप शिपिंग डीगल मेथड से नहीं कर सकते अमेजोन नहीं अलाउ करता अमेजोन बैन कर देता है बाकी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं शॉपिफाई है शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग हो जाती है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है अच्छा मैंने एक और चीज़ नोट किया ज़्यादातर मेल्स अटेंड करते हैं क्लास फीमेल्स क्लास इतनी अटेंड नहीं करती है हमारी कोई इशू है टाइमिंग वगैरह में मैम कीपा से भी हंटिंग करवाएं कीपा एनालाइजिंग टूल है कीपा से हम हंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे कीपा को हम एनालाइजिंग के लिए ही यूज़ करेंगे हंटिंग के जो अभी हमने मैनुअल मेथड देखे हैं ना सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं सेलर स्नाइपिंग ही है आधे से ज़्यादा जो सेलर स्नाइपिंग के प्रोडक्ट्स को जब आप कीपा के थ्रू एनालाइज करेंगे मैं कहती हूँ कि वो नाइन्टी आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स ही लगेंगी मैम सी ड्रॉप शिपिंग आपको जी सी ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको अकाउंट चाहिए होता है अच्छे ड्रॉप शिप वो अच्छी सर्विसेज़ देते हैं सी ड्रॉप शिपिंग का मैं ये कहूँगी कि आप अगर आपने सी ड्रॉप शिपिंग से करनी है तो आप उसको शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करें शॉपिफाई के साथ अच्छे से हो जाती है अमेजोन का ड्रॉप शिपिंग का रिस्क ही क्यों लेना उनकी तो बहुत सारी होते हैं तो पाकिस्तान में बैठे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर जो प्रोडक्ट है वो हाउस में जाते हैं आ, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन मुबिर अगर पाकिस्तान से एफ करना है तो आप क्या आपका वहां नहीं नहीं जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है मैं यही बता रही हूँ देखें आपने यहाँ से ठीक है आपका अकाउंट है आप यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं हम भी तो कर रहे हैं वो यही तरीका होता है कि पहले तो आप कोशिश करें डिस्ट्रीब्यूटर आपकी शिपिंग सर्विसेज देता हो अगर नहीं देता तो बस आपने किसी से डील कर लेनी है जो थ्री पी एल सर्विसज दे रहे होते हैं एफ बी ए की भी दे रहे होते हैं एफ़ बी एम की भी दे रहे होते हैं अच्छे रेट्स में दे रहे होते हैं और वो वन डॉलर पर प्रोडक्ट या वन पॉइंट फाइव डॉलर पर प्रोडक्ट कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए कैसा सब कुछ होना चाहिए या आप उनसे नेगोशिएट करें ट्रस्टेड लोग मिल जाते हैं जरूरी नहीं आपका अपना बंदा बंदाबाँ होना चाहिए कुछ यूपीसी की सर्विसेज भी यूज करते हैं मतलब आप उनके वेयर हाउस में तो रखवा देते हैं लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि अमेजोन की जो सर्विसेज होती हैं उसको यूज करते हैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए यानी खुद जाके वो डिलीवर नहीं करते या खुद जा जाके अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचा रहे होते अमेजोन से वो से वो कॉन्टेक्ट करते हैं जो यूपीसी सर्विसेज होती हैं और अमेज़ॉन ही आके पिक करके ले जाता है उनके वेयर हाउस से ये वाला सीन भी होता है फिर मैम हम कैसे प्रॉफिट निकालते हैं जब सारे टैक्सेस और सर्विस लगेंगे तो ये सब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी ना कैसे निकालना होते हैं इसके भी हम कॉस्ट लगाते हैं मिसेलानियस कॉस्ट होती है ना जो वो टू डॉलर हम लगा रहे होते हैं मिसलानियस कॉस्ट पे भी मैं आप लोगों के साथ चले वीडियो शेयर कर दूंगी मैं यही कह रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ करेंगे अभी तो सिर्फ दो लेक्चर हुए हैं अभी तो तीन चार लेक्चर और बाकी हैं फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल काम होगा यानी लिस्टिंग क्रिएशन वगैरह शिपमेंट प्लान उसकी भी आप लोगों को मैं वीडियोस दूंगी। मैम एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जी बिल्कुल बिल्कुल एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेके ही काम करें आप एक डिस्ट्रीब्यूटर पे कभी डिपेंडेंट ना रहे उनसे ना प्राइस अच्छी मिली तो कल को प्राइस बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप करें लाजमी करें जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं उनके कैटलॉग में से ढूंढें मारिया इमरान ने आई थिंक हैंड रेस किया हुआ है क्या मैम ग्रुप ओपन ग्रुप में मैसेजेस ओपन करवा अच्छा जो आप लोगों का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोग उसमें देखें ऑफिशियल ग्रुप इसीलिए है कि ताकि आप लोगों के पास हर चीज़ की अपडेट हो अगर मैं उसको ओपन करवा दूंगी फिर मसला ये है कि जो अपडेटेड मैसेजेस होते हैं जो जैसे अभी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम एक दिन पहले आप बता दिया करें क्लास का हालांकि ग्रुप में हर चीज़ आप लोगों को बता दी जाती है उसके बावजूद लोगों से मिस हो जाते हैं तो मैं नहीं चाहती चीजें कॉम्प्लिकेट हूँ आप लोगों ने अगर ग्रुप बनाना है अपनी सेपरेट आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं सेपरेट कोई इसमें इशू नहीं है आप लोग टीम्स वगैरह बनाए सब कुछ कैन यू अपलोड ऑल लेक्चर्स अभी हुए ही हमारे दो हैं जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स होते जाएंगे तो अपलोड होती जाएंगे वीडियोस एक साथ में कैसे अपलोड कर दू आज वाली भी इन आज अपलोड हो जाएंगी दोनों फिर आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप में मैम अगर ऑस्ट्रिया में एफ होलसेल एम होल सेल करें थ्री पी एल ख़ुद करें इसका कोई ख़ास प्रोसेस है ऑस्ट्रिया का तो मुझे आइडिया नहीं है मैंने कभी काम किया नहीं है लेकिन अगर आपको थ्री पी एल सर्विसेज मिल रही हैं सही मिल रही हैं तो आप उनसे पूछें उनका क्या प्रोसेस है वो आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकेंगे जो आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं ओके थैंक्स अप्रिशिएट थैंक अगर मैं खुद करूँ आप कर सकती हैं लेकिन फिर वही बात है कि वहाँ कोई होना भी तो चाहिए आपका जानने वाला जिसका वेयर हाउस हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकती हो कि ठीक है वो काम संभाल सकता है तो आप यहाँ से कर सकती हैं बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती अगर आपका कोई रिलेटिव है और वो वेयर हाउस अरेंज कर सकता है अपने ही घर में या कहीं भी कोई कंपनी वगैरह में तो ठीक है आप कर सकती हैं बिजनेस मैं, मैं खुद हूँ मतलब ऑस्ट्रिया में जी बिल्कुल फिर तो बेस्ट है आपके पास स्पेस है आप कर सकती हैं आपने सिर्फ यही तो करना है कि अपने वेयर हाउस में आपने प्रोडक्ट्स रखनी है और फिर उनको आगे शिफ्ट करना है कैन यू डू फ्रॉम पाकिस्तान अमेजॉन जी पाकिस्तानी अकाउंट्स के लेकिन आजकल जितने मसले हैं मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यूएसए का अकाउंट बनाएं तो ही बेस्ट है यूएसए की डिटेल्स पर ही बनाए हाँ क्या मतलब आप अकाउंट क्रिएशन का पूछ रही हैं या अमेजोन का पूछ रही हैं पाकिस्तानी अकाउंट में कोड नहीं आता अजाउंट का तो यूएसए का नंबर चाहिए होता है ना आपके पास नंबर होगा उस पर कोड आ जाएगा कोई मसला नहीं है जब आप लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे आप लोग सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे यूएसए नंबर की तो उस नंबर पे कोड आ जाएगा ना अगर जो ओपन करवाना चाहते हैं अकाउंट वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी अभी आप ना ओपन करें अपना अकाउंट पहले आप क्लाइंट के अकाउंट पे काम करें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए कितने अभी कनेक्ट यू एस हाउ टू परचेज यू एस अकाउंट बस आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए और उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उन डिटेल्स के बिना पे मारिया इमरान जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ रही हूँ आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने पाकिस्तान से यूएसए का अकाउंट बनवा के उस पर काम करना है अमेजोन पे तो आपको पहले डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे एलएलसी वगैरह ई सेलर सर्टिफिकेट वगैरह जो एलएलसी एल बना के देते हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी अच्छे रेट्स में आपको एलएलसी वगैरह कंपनी डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे लेटर ऑफ लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एलएलसी क्या होती है सिंपली लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है अब एल किसी एक बंदे के नाम पर भी हो सकती है किसी कंपनी के नाम पर भी हो सकती है और इसमें कोई लिमिट नहीं है आप किसी कंपनी के नाम पे भी करवा सकती हैं आप अपने नाम पे भी बनवा सकती हैं इंडिविजुअल पे भी मैम अगर अकाउंट परचेज करना हो यूएसए का तो कैसे रहेंगे उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो सब कुछ हमारे पास हो उसके पास कुछ भी ना मतलब अगर आप अगर किसी से डॉक्यूमेंट परचेज कर रहे हैं तो अकाउंट परचेज कर रहे हैं तो आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स पर चेंज करवाने पड़ेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं एल ऑफ ऑथराइजेशन हो गया रीसेलर सर्टिफिकेट हो, हो गया ये सब आपको अपने नाम करवाने पड़ेंगे अपने नाम पे बनवाने पड़ेंगे उसकी अथॉरिटी खत्म करवानी होगी मैम क्या हम चाइना से प्रोडक्ट परचेज कर सकते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कुछ लोग आर्बिट्राज करते हैं और चाइना से भी परचेजिंग करके प्रोडक्ट में मैक्सप्ट करवा के इन्वेंट्री अमेजोन डिलीवर करवा रहे होते हैं नहीं बिल्कुल गलत तरीका ये अभी मैंने आप लोगों को दिखाया जो वॉलमार्ट पे सोर्स थी वो चाइनीस प्रोडक्ट ही था कोई अगर कस्टमर रिटर्न आ गया तो बहुत बड़ा मसला होगा अकाउंट डीएक्टिवेशन का खतरा होगा चाइना की इन भी अगर आपसे मांग ली अमेजोन ने इन भी एक्सेप्ट नहीं होती अभी एक केस आया हुआ था पुराने ही बैच में से कि उन्होंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आई थिंक उन्होंने चाइना से परचेजिंग करवाई है और अब उनकी इन्वेंट्री बस गई है क्योंकि अमेजोन इन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो गया क्या चाइना से प्रोडक्ट परचेज करके ई या शॉपिफाई में भी नहीं कर... कर सकते हैं एमेजोन पे नहीं करें बस शॉपिफाई का तो कोई मसला ही नहीं है ना शॉपिफाई में तो आपके पास पी और ड्रॉप शिपिंग आराम से हो सकती है तो पी तो वैसे भी हम अली से ही मंगवा रहे होते हैं चाइना से ही मंगवा रहे होते हैं उसका मसला नहीं है लेकिन होलसेल में जहां आपको इनवाइसिस वगैरह की जरूरत हो उसमें आप ये काम ना करें क्योंकि होलसेल में ये है कि आप एक ब्रांड की प्रोडक्ट को मीटू कर रहे हैं जब कस्टमर के पास उस ब्रांड की नहीं पहुंचे पहुंचेगी अभी हमने देखा किसकी थी जीन प्रो की थी शायद और जो हमें वॉलमार्ट पे मिली वो किसी मेंज ब्रांड की थी तो कस्टमर जब प्रोडक्ट को देखेगा वो कहेगा मुझे पिक्चर में दिखाई गई है जीन प्रो की और मुझे भेजी ये कोई अजीब से ब्रांड की है तो वो ऑब्वियसली उसको रिटर्न ही करेगा उसको पता तो चलेगा ना अमेजोन तो आपको कुछ नहीं कहेगा शुरू में अमेजोन ने आपकी प्रोडक्ट खोल खोल के थोड़ी देखनी है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें भेज रहे हैं ऑथेंटिक भेजें या नहीं वो तो आपकी लेबल से पहचान करेगा जो आप लेबल्स अपने लगाते हैं उन्होंने तो बस वो स्कैन करना है और आपकी वे, हाउस में प्रोडक्ट पहुंचा देनी है फिर वहां से जब आप कस्टमर के लिए लेबल्स जनरेट करेंगे तो वो फिर कस्टमर तक पहुंचा देनी है जब प्रोडक्ट खुलेगी वो जाके कस्टमर के पास खुलेगी तभी आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट कैसी थी या नहीं आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर से तो पिक्चर्स ले लेंगे ठीक है लेकिन कस्टमर जब रिटर्न करेगा तो फिर मसला हो जाएगा वेयर टू फाइंड क्लाइंट्स क्लाइंट्स आपको फेसबुक से फाइंड करने हैं और क्लाइंट हंटिंग पे भी इनशाला लेक्चर होगा अभी क्लाइंट हंटिंग की टेंशन आप ना लें शॉपिफाई की भी हमारी इंटर्नशिप होती है वो अभी तो एंड होने वाली है ये जिन्होंने मुबशर आपने शॉपिफाई का क्वेश्चन किया था अगर आप चाहें तो नेक्स्ट उसमें इनरोल करवा लीजिएगा खुद को अच्छा टेन मिनट्स बल्कि और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से पूछें जरूर बता दीजिएगा ठीक है आप लोग एडमिन के साथ कांटेक्ट में रहें और सोशल मीडिया पे हमारे पेजेस पे एक्टिव रहें वहाँ हर चीज की अनाउंसमेंट हो जाती है मैम हमारी इन्वेंट्री कैसे प्रमिनेंट होगी प्रोमनेंट मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि अमेजोन तक पहुंच गई है या क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझी नहीं प्रोमिनेंट मतलब कि ये हमारी ही है जी ये लेबल से ही पता चलेगा आपने क्या किया है आपने ठीक है ऑर्डर कर दिया आपने क्या करना है आपने जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे आप अपने सेलर सेंट्रल से लेबल जनरेट करेंगे लेबल पर प्रोडक्ट भी होगा और हर पैकेज का बॉक्स का भी अलग से लेबल होगा आपने वो लेबल देने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को आपने कहना है ये लेबल प्रोडक्ट पे लगाना है आपने और ये वाला जो लेबल है ये आपने बॉक्स पे लगाना है और जो पैलेट है पैलेट क्या होते हैं बॉक्सेस होते हैं बहुत सारे और फिर उनका एक पैलेट बनता है उसका भी अलग से लेबल होगा फोर साइडेड तो वो डिपेंड करता है शिपमेंट प्लान आप किसका मंगा रहे हैं आप कम प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं या ज्यादा खैर उन पे आप लेबल्स लगवा लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर जब भेजेगा एमेजॉन के वेयर हाउस तो वहां से वो लेबल स्कैन होंगे अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये लेबल्स किसके हैं ये इस सेलर अकाउंट के हैं यानी आपके सेलर अकाउंट के तो वो जिस वेयर हाउस में वो आपकी ही इन्वेंट्री होगी वो आइडेंटिफाई वहां हो जाएगी जब वो स्कैन होंगे लेबल्स आपके अकाउंट पे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है आपकी इन्वेंट्री है इतने यूनिट्स हैं रिसीव हो गए अब इन्वेंट्री लाइव होगी मैम कुछ ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के एमेजोन इन्वॉइस नहीं भी एक्सेप्ट करता तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए तीन में से एक इन्वॉइस ही एक्सेप्ट करता है फिर ये आपकी अकाउंट हेल्थ पे भी डिपेंड करता है आप किसी ऐसे बंदे से डील कर लें किसी ऐसे से कांटेक्ट कर लें जिसके पे एक्सेप्ट हो रहे हो आप उसको सेल कर दें इन्वेंट्री वेरी वेल थैंक्सर वेलकम शाहिद और किसी का कोई क्वेश्चन रहता हो किसी भी हवाले से कैसे अपने अकाउंट की हेल्थ भी ठीक रखें और बैन होने से बचा सकें हेल्थ आपके अकाउंट की एक तो ये नेगेटिव रिव्यूज नहीं आने चाहिए दूसरा ये कि आप लोगों की सेल्स जितनी अच्छी होंगी उतनी अकाउंट हेल्थ भी अच्छी होगी और जितना अकाउंट पुराना होता जाएगा उससे भी अकाउंट हेल्थ पे फर्क पड़ेगा जितना पुराना अकाउंट होता है ना उस पर फिर चीजें ऑटोमेटिकली कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो अनगेट होना शुरू हो जाती हैं एक ये होता है ना देखें जब नया नया कोई भी बिजनेस कर रहा है अमेजोन को उस पर ट्रस्ट तो नहीं होगा अमेजोन को पता ही नहीं है ये कैसा परफॉर्म करेगा ये कैसा सेलर है ये कैसा नहीं है फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो अमेजन ऑब्जर्व करेगा ठीक है अच्छा सेलर है ना नेगेटिव रिव्यूज है अच्छी सेल्स भी ला दे रहे हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अपनी पॉलिसीज में थोड़ा सा मतलब हल्का हाथ रखना शुरू कर देते हैं आप पे जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है को थैंक्स मैम फॉर योर टाइम वेलकम आप लोग बस क्लास लेने आ जाया करें और जो नहीं भी आ सकते हैं वो बता दिया करें प्लीज मैम अभी तक तो यही है अभी कोई और माइंड में नहीं है ठीक है मैम क्या फ्यूचर में आप हेल्प कर सकती हैं जब किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं या गाइड करने आ, मैं जितनी मुझसे कोशिश हो सकेगी तो इनशाला लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अवेलेबल होंगी साथ साथ क्योंकि इसके बाद और भी मैंने आप लोगों को बताया कोर्सेज आएंगे इंटर्नशिप्स आएंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे अभी इसमें भी हम लोगों के तकरीबन टू हंड्रेड या टू फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं फिर जो पिछले बैचेस गए हैं उनके भी थाउजेंड थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं ये हमारा बैच है आप लोगों को पता है ये जो अभी आप लोगों का बैच चल रहा है ये बैच है बल्कि आप लोग आई थिंक फिफ्थ हैं आप लोग फिफ्थ बैच हैं और सिक्स अभी जो न्यू आएगा फिफ्टीन जनवरी को तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हाँ आप एडमिन के साथ रहे कॉन्टेक्ट में एडमिन शानजा भी है ग्रुप में एक और एडमिन भी है कहीं आप लोग स्टक हो जाते हैं जितनी हमसे कोशिश हो सकेगी इंसान जरूर करेंगे आप लोगों की हेल्प लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मैं पर्सनली मीटिंग करके या ऐसे इश्यूज रिजॉल्व करवा सकूँगी ये मैं आप लोगों को अभी से बता रही हूँ ऐसा ना हो कि अभी मैं कोई ऐसी कमिटमेंट कर दूँ और मैं बाद में फुलफिल ना कर सकूँ उस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा फिर वो अच्छी बात नहीं होती ठीक है आई थिंक आज का सेशन इतना ही था और अच्छा था मुझे अच्छा लगा कि ये जितने भी स्टूडेंट टाइम निकाल के आए हैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का और मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आप लोग आए आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थैंक यू मैम आर वेलकम हिसान हिसान ही नाम है मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ आई थिंक मैम ए डोमिनेट कर रहा है बहुत तेज़ी से क्या इसका ई कॉमर्स पर भी इफेक्ट आएगा ई e कॉमर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है क्रिएशन वगैरह में आप नेगेटिव इफेक्ट में ना आ जाए हाँ पॉजिटिव की तरफ आ सकता है कि आप उसको अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं एआई को आप चाहें तो आप अभी प्रोडक्ट हंटिंग में भी कर सकते हैं आप चाहें तो आप डिस्ट्रीब्यूटर फाइंडिंग में भी कर सकते हैं ए की हेल्प ले सकते हैं आप चाहें तो लिस्टिंग क्रिएशन में ए की हेल्प ले सकते हैं यानी ये हेल्प ले सकते हैं कि आप टेम्पलेट वगैरह वहाँ से उठा सकते हैं अगर आपकी लैंग्वेज पे इतनी ग्रिप नहीं है या आपको लगता है मैं इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं लिख सकूँगा तो इन चीज़ों को आप यूज़ करें पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखें कि आप उसको अपने में अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ओके मैम थैंक देने के लिए आर वेलकम ठीक है एक मिनट रह गया मेरे ख्याल से एंड करना चाहिए सेशन को ख़्याल रखिएगा नेक्स्ट क्लास हमारी होगी फ्राइडे को इन और फ्राइडे को आप लोग लाजमी अटेंड कीजिएगा क्योंकि हम ई और कॉल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मंडे को ही आप लोगों का सेशन रख लूंगी ताकि कॉल्स को लेकर जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हों और जब आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे नंबर वगैरह में भी आपको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में भी टाइम लगेगा कुछ तो हेजिटेंट भी फील करेंगे तो हम क्या अब हमारी क्लासेज यूं ही होंगी फ्राइडे मंडे फ्राइडे मंडे फ्राइडे को मेन क्लास और मंडे को हम इंशाल्लाह ऐसे ही क्यू एंड ए सेशन थैंक यू मैम आई अप्रिशिएट योर एफर्ट यू वेलकम थैंक्स मैम गॉड ब्लेस यू आमीन आमीन यू वेलकम मैम कितने मंथ का कोर्स है ये इंटर्नशिप हमारी वैसे तो 6 टू 7 मेन लेक्चर होते हैं फिर जो